हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू विनय एस इंदौर. मैं हूँ वैष्णवी शुक्ला. मैं कोशिश करूँगी आपके इंग्लिश के सफ़र को आसान बनाने की. आई मीन पटवारी में भी नई नई इंग्लिश ऐड हुई है तो सब जगह बहुत ज़्यादा उसका चल रहा है रोला. ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगी कि उसको थोड़ा आसान कर सके. आप में से बहुत सारे लोग मुझे ऑलरेडी जानते होंगे और बहुत सारे लोगों की डिमांड पे ही मैं इस चैनल पे मैंने पढ़ाना चालू किया, क्योंकि आप सब जानते हैं कि थोड़े टाइम पहले तक मैं MP के एग्ज़ाम्स के लिए किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर पढ़ाती थी एंड देन मैं फिर अपने प्लेटफॉर्म पर SSC के लिए पढ़ा रही थी. मेनली मैं SSC के लिए ही पढ़ा रही थी उसके बाद से, पर फिर SSC के भी बहुत सारे बच्चे स्विच कर गए हैं पटवारी के लिए, क्योंकि भाई MP में तो पटवारी से बड़ा कुछ और है ही नहीं. मतलब DSP डिप्टी कलेक्टर या इवन IAS भी एक तरफ है और अपना पटवारी एक तरफ है. तो बहुत सारे लोग आप लोग डिमांड कर रहे थे, तो अब यार उस प्लेटफॉर्म पर तो पढ़ा नहीं सकती क्योंकि वो SSC का डेडिकेटेड है. ठीक है, तो अपन यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे बढ़िया से. ठीक है, अब देखो शुरुआत करने के लिए मैं हमेशा की तरह वही चीज़ें करूँगी और जो करते हैं और जो एक्चुअली जायज़ है. आपको कोई भी सिलेक्टेड जो भी एस्पिरेंट है वो यही बताएगा कि किसी भी एग्ज़ाम की शुरुआत करने के लिए या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स. ठीक है, ये उस पर्टिकुलर बोर्ड ने जो पेपर्स बनाए हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं. इवन आप IAS की तैयारी के लिए भी अगर किसी एस्पिरेंट से पूछने जाएंगे या टीचर से पूछेंगे तो आपको सबसे पहले क्या कहा जाएगा कि प्रीवियस ईयर पेपर्स को बढ़िया से एनालाइज करो. वो हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम पेपर बनाने वाले के माइंडसेट को थोड़ा समझ पाते हैं कि किस किस लेवल की चीज़ें हमसे पूछी जाएंगी या एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है एक्चुअली. क्योंकि देखो पेपर बनाने के लिए बोर्ड अगर सेम है, PEB ही बना रहा है, तो जाहिर सी बात है बंदे भी वही होंगे पेपर बनाने वाले. ठीक है, जैसे SSC अगर है तो SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अगर एक बोर्ड है तो उसके अंदर पेपर अब जो भी हो बनाएंगे वही. ठीक है, तो उससे आपको एक अनुमान लग जाता है कि हाँ ठीक है अभी आगे वाले टाइम में ये अपडेट हो सकता है, ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ये नहीं पूछी जा सकती हैं. अब प्रॉब्लम ये हुई कि पटवारी में पहली बार इंग्लिश आ रही है. ठीक है, अब अगर पहली बार आ रही है तो प्रीवियस ईयर तो है नहीं मैम, फिर क्या करें. तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि व्यापम में जो भी एग्जाम्स हैं जिनमें इंग्लिश आती है उनकी इंग्लिश के अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम उठाएँ, उनकी प्रैक्टिस करें और इस हिसाब से हम अपनी तैयारी को दिशा दें. अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो लोग पहली बार मुझे देख रहे होंगे उनके लिए कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ MCQ सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि प्रश्न का उत्तर तो आपको आंसर कीज में भी मिल जाएगा, टीचर की फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं, है ना. अगर टीचर है तो वो कुछ एक्स्ट्रा बता के जाए तो मतलब है, अदरवाइज हम तो सीधा क्वेश्चन देखेंगे मैम और हम देख लेंगे कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर्स के साथ साथ आपको आसपास के कॉन्सेप्ट्स और आगे जो पूछे जा सकते हैं वो कॉन्सेप्ट्स भी आपको बताए जाएंगे, एज वेल एज कोई भी क्वेश्चन का आंसर ये क्यों हो रहा है और ये क्यों नहीं हो रहा है, ये चीज़ भी आपसे डिस्कस करी जाएगी. ठीक है, आपको मेरी आवाज़ थोड़ा सा गूंज रही होगी और उसका रीज़न ये है कि हमारा सेटअप अभी चल ही रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, तो थोड़े दिन में ये भी सही हो जाएगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन. थोड़ा सा इंटरफेस नया है तो हो सकता है मेरे लिए थोड़ा सा अनईजी रहे. अच्छा, ये पेपर कौन सा लेके आए हो मैम? तो दोस्त ये पेपर मैं लेके आई हूँ आपके लिए Group 2, Sub-Group 4 के जो आपके पेपर हुए थे उसका ये पहला शिफ्ट है ना, 28 जुलाई का Shift 1 है. ठीक है, और इसमें कुछ जो बहुत ही ज़्यादा एकदम हल्के क्वेश्चंस थे वो मैंने नहीं उठाए हैं, क्योंकि उनको उठाना मीन्स टाइम वेस्ट करवाना. यहाँ पे थोड़े ठीक ठाक क्वेश्चन है, वैसे ये बहुत आसान क्वेश्चन है. और एक चीज़ आप मेरी मान के चलिए, मेरा भरोसा मानिए कि आपके पेपर में बहुत आसान इंग्लिश आती आई है और आगे भी आएगी, है ना. जो लोग पहले से जानते हैं उनने देखा है कि 20 सेट में हाईकोर्ट में कितने सारे क्वेश्चंस फंसवाए गए थे, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा होगा, बस आप बने रहिए. ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, बहुत सारा टाइम अपन ख़राब नहीं करेंगे. वो तो आज Day 1 है इसलिए थोड़ा सा बातें कर ली मैंने, अदरवाइज तो एक सेकंड भाई. चलिए पहले क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं. पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस एंड द गिवन सेंटेंसेस माय फादर डैश एवरी मॉर्निंग इन द फ्रेश एयर. माय फादर मतलब मेरे पिता, डैश एवरी मॉर्निंग प्रत्येक सुबह इन द फ्रेश एयर. और इनके पिताजी जो है वो हर सुबह फ्रेश एयर में क्या करते हैं. ऑप्शंस में आपको वॉक दिख रहा है, वॉक मतलब होता है क्या, पैदल पैदल टहलना, तो टहलते हैं. अब यहाँ पे आपको देखना है कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा. इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले आपको एक चीज़ समझनी है कि जब भी एवरी डे लगा हो, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो रोज होती है, ऐसी कोई बात कही गई हो, तो हम हमेशा उस चीज़ को बनाते हैं प्रेजेंट टेंस में. ठीक है, क्योंकि जो हो चुकी है वो तो पास्ट में चली जाएगी और हम उसको सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट से बता देंगे. ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा, अब आप कहोगे कि मैम तो सीधे प्रेजेंट पास्ट और ये सब शुरू कर दिया. भाई बने रहो, आगे सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी और आप समझो कि 15-20 क्वेश्चंस में से आप इतने सारे कॉन्सेप्ट सीख के जाओगे ना कि आपको मज़ा आ जाएगा, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा. ठीक है, चलो
अब देखो, माई फादर डैश एवरी मॉर्निंग इन द फ्रेश एयर, पहला क्वेश्चन कह रहा है वॉज वॉकिंग. वॉज किस में होता है दोस्त? आप कहोगे मैम वॉज होता है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में. आपको पता होगा कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो वॉज या वर होती है. वॉज लगता है सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और वर लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ. सिंगुलर मतलब एक वचन, एक व्यक्ति, एक चीज, और प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा, मोर देन वन, ठीक है, वो प्लूरल हो जाता है. तो वो वर्ब लगता है हमारा प्लूरल के साथ. और क्या होता है? तो वर्ब की चौथी फॉर्म लगती है. अब आप कहोगे चौथी फॉर्म कौन सी? तीन तो हमने पढ़ी थी, चौथी कौन सी आ गई? तो भाई ये वी प्लस आईएनजी जो होता है ना, उसी को हम कहते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है. यानी जो मेन वर्ब है उसमें आईएनजी लग जाता है. ये तो हो गई हमारे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात, ठीक है. यहाँ पे मैंने इतना सारा क्यों बताया? क्योंकि मुझे आपके पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का रिवीजन करवाना था. ऑलराइट, अब देखिए, पापा जी हर सुबह जाते हैं, है ना. अभी ये हर सुबह जाने वाली जो बात है, ये हर सुबह अभी ही जा रहे होंगे. अगर ये पहले जाते होते और हम बता रहे होते कि पहले जाते थे, ठीक है, तो हम वॉक्ड लगा देते सिंपल सा और ख़त्म कर देते. एवरी मॉर्निंग हमें एवरी वगैरह लगाने की जरूरत भी नहीं होती, ठीक है. तो पहला ऑप्शन तो आपका होगा नहीं, है ना, तो इसको अपन काट देते हैं. दूसरा आप देखेंगे हैज़ बीन वॉकिंग. हैज़ बीन क्या होता है? हैज़ बीन होता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है. थोड़ा सा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बता देती हूँ. तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैज़ और हैव. हैज़ लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ. अगेन, जितने भी कॉन्टिन्यूस टेंस आपको मिलेंगे सब में आपको वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही लगाना है. फोर्थ फॉर्म स्टैंड्स फॉर वी प्लस आईएनजी, यानी वर्ब का पहला फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है. अब यहाँ पे आप देखेंगे माई फादर हैज़ बीन वॉकिंग एवरी मॉर्निंग इन द फ्रेश एयर, ठीक है. तो अब ये कंटिन्यूएशन वाली बात हो रही है, ठीक है, कंटिन्यूएशन वाली बात हो रही है. और एक चीज़ समझिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है उसमें हम काम को ऑलरेडी ख़त्म कर चुके होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि वो ऐसा करते हैं, है ना. हम यहाँ ये नहीं बता रहे कि ऐसा काम उन्होंने ख़त्म कर दिया है या वॉक करने का काम उन्होंने ख़त्म कर दिया है. हम तो ये कह रहे हैं कि भाई वो रोज़ टहलने जाते हैं. यानी ये ऑप्शन भी आपका कट जाना चाहिए. वॉक्स तो आपका हो नहीं सकता. माई फादर वॉक्स, सॉरी, वॉक्स हो नहीं सकता. मैं कह रही हूँ कि विल वॉक तो आपका हो नहीं सकता. माई फादर विल वॉक एवरी मॉर्निंग इन द फ्रेश एयर, ये होगा नहीं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि ये कंटिन्यूएशन वाले, यानी एवरी, ठीक है, डेली, ये सब लगा होता है. तो हमें टेंस को प्रेजेंट टेंस में ही बना होना होता है. और आपके पास फिर एक ही ऑप्शन बचेगा, कौन सा? ऑप्शन नंबर 3, विच इज वॉक्स, यानी माई फादर वॉक्स एवरी मॉर्निंग इन द फ्रेश एयर, यानी मेरे पिता रोज ताजी हवा में वॉक करते हैं या टहलते हैं. वॉक्स क्यों लगाया है? ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐसा होता है कि जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो आप वर्ब की पांचवी फॉर्म लगाते हैं. अब आप कहोगे मैम आपके फॉर्म ही नहीं खत्म हो रहे, तो भाई पांच ही हैं, ठीक है, अभी के लिए. तो फिफ्थ फॉर्म क्या होता है? जब आप वर्ब के साथ एस या ईएस जोड़ देते हो, ठीक है, जब आप वर्ब के साथ एस या ईएस जोड़ देते हो तो उसको हम कह देते हैं फिफ्थ फॉर्म. जब हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब हमारी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होती है तो हम वर्ब के साथ क्या लगा देते हैं? हम लगा देते हैं एस या ईएस, यानी पांचवा फॉर्म बना देते हैं. और अगर यहाँ पे कोई, जैसे यहाँ पे माई फादर, फादर एक ही है, सिंगुलर है, यहाँ पे माई फ्रेंड्स होता तो हम वॉक्स की जगह क्या करते? वॉक कर देते, ठीक है. इतनी बात समझ आई? अब एक थोड़ा सा रोचक तथ्य आपको बताती हूँ. आप में से बहुत लोगों को पता होगा जो पहले क्लास लेते थे, जो नहीं लेते थे उनका यही रोचक होगा ये, ठीक है. देखो होता क्या है कि जैसे हम किसी भी चीज़ पे एस या ईएस लगा देते हैं तो हमें क्या लगता है? अरे हमने तो प्लूरल बना दिया, ठीक है, हमने तो प्लूरल बना दिया. पेन है, एक पेन है, एस या ईएस लगा दिया, पेन्स कर दिया मैंने, तो क्या हो गया? प्लूरल हो गया, ठीक है. ऐसे कुछ भी हो, अब जैसे ये बोर्ड है या कुछ भी, यार वॉच है, ठीक है, इसमें वॉचेस कर दो, मतलब क्या हो जाएगा? अब आप कहोगे प्लूरल कर दिया, बहुत सारी घड़ियाँ, ठीक है. तो अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि नाउन और वर्ब में क्या डिफरेंस होता है. नाउन में आप एस या ईएस लगाते हो तो वो प्लूरल बनती है, ठीक है, नाउन में एस या ईएस लगाते हो तो वो प्लूरल बनती है, लेकिन अगर आपने वर्ब में एस या ईएस लगा दिया तो वो सिंगुलर बन जाएगा. ध्यान से सुनना, ठीक है, नाउन में आप अगर एस या ईएस लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाती है, लेकिन अगर वर्ब में आपने एस या ईएस लगा दिया तो वो सिंगुलर बनता है. अब ध्यान दीजिए कि हमने यहाँ पे इसको वॉक्स क्यों किया. आप तो मिटा देती हूँ, आप समझ गए होगे आंसर, ठीक है, यही वाला आंसर है, ठीक है. अब आप समझो कि मैम आपने इसको वॉक्स क्यों किया है. फादर सिंगुलर है तो आपने इस वर्ब में एस क्यों लगा दिया? एस तो हम प्लूरल बनाने के लिए लगाते हैं. तो जी हाँ, एस हम प्लूरल बनाने के लिए लगाते हैं, लेकिन हम वो लगाते हैं नाउन में, ठीक है. जब हमें वर्ब को सिंगुलर बनाना होता है ना, तब हम उसमें, जब हम प्लूरल बनाते हैं नाउन को तो एस या ईएस लगाते हैं, लेकिन जब वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं तब एस या ईएस लगाते हैं. यानी नाउन और वर्ब इनकी आपस में नहीं बनती, ठीक है. तो हमने यहाँ पे वॉक्स क्यों कर दिया दोस्त? क्योंकि फादर, पापा जी अकेले हैं, ठीक है, तो वर्ब भी अकेली वाली ही देनी पड़ेगी, और वर्ब को अकेला करने के लिए हमें एस या ईएस लगाना पड़ता है, इसलिए हमने वॉक्स कर दिया, ठीक है. बहुत आसान था, आपने इसमें बहुत सारी चीज़ें सीख ली होंगी. अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पर. और ये बार बार क्या आ रहा है ना, मैं इस
सॉफ्टवेयर से परिचित नहीं हूँ, कोई बात नहीं, चलो। मतलब हम लोग का सॉफ्टवेयर अलग था ना, जिसपे अपन पढ़ते थे, तो ये थोड़ा इंटरफेस अलग है और ये टेक्निकलिटीज़ भी अलग है। एनीवे, स्पॉट द एरर इन द गिवन सेंटेंस। अब ये सेंटेंस आपको दिया हुआ है और इसमें कहा जा रहा है कि द यंग बॉय ब्रोक इन द विंडो बाय हिटिंग इट विद अ क्रिकेट बॉल। यंग बॉय, नौयुवक लड़के ने, जवान लड़के ने ब्रोक इन द विंडो, खिड़की तोड़ दी बाय हिटिंग इट विद अ क्रिकेट बॉल, क्रिकेट की बॉल से इसको मारकर, है ना, क्रिकेट की बॉल मारकर जो यंग लड़का था उसने खिड़की तोड़ दी। ठीक है, यहाँ पे हमें देखना है एरर क्या है। अब देखो, शुरू से चलना होता है हमें, जब भी हम एरर ढूंढते हैं ना, शुरू से चलना होता है। शुरू से का मतलब क्या हुआ कि जब आपने सब्जेक्ट देखा, सब्जेक्ट लिखा है क्या, यंग बॉय, यंग बॉय मतलब एक ही लड़के की बात हो रही है, बॉयज नहीं लिखा, तो फटाक से आपको देखना है कि हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के हिसाब से लगी है या नहीं लगी है। ठीक है, ऐसे करके आपको एरर ढूंढना होता है, ये तरीका होता है। आई मीन छोटी 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 चीज़ें आपको मैच करनी होती है। जैसे मान लो यहाँ पे बाय लगा है, ठीक है, अब जो बाय है ये प्रीपोजिशन है, तो यहाँ पे ये सही लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, तो ऐसे करके अपन सारी चीज़ें मैच करते हैं। धीरे धीरे आप पढ़ोगे तो आपकी आदत हो जाएगी। और एक्चुअली देखो, प्रीवियस ईयर मेरा सॉल्व करवाने का ना मेन मुद्दा ये भी है कि मैं आपको अप्रोच सिखाती हूँ कि किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन को आपको अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, आप आंसर तक पहुँच जाओगे, बहुत आसान होता है क्वेश्चन के आंसर तक पहुँचना, टफ होता है उसको एक्सप्लेन करना, उसके आंसर को कि ये आंसर क्यों हो रहा है। ठीक है, तो आंसर तक पहुँचना इज़ वेरी इजी, अगर आपकी अप्रोच सही है ना, तो आप ऑप्शंस काट के एलिमिनेट करके आंसर तक पहुँच जाओगे। और ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड जो है वो मतलब एग्जाम्स, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए तो रामबाण होती है, खासतौर पे वो सब्जेक्ट जो अथा है, जैसे अब इंग्लिश एक लैंग्वेज है वो अथा है। ठीक है, उसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, आप सारे नहीं याद कर सकते, तो क्या करोगे, एलिमिनेट करोगे। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो, यंग बॉय लिखा हुआ है ना, यंग बॉय के बाद हमारी वर्ब आएगी। ठीक है, ब्रेक मतलब होता है तोड़ना। ठीक, ब्रेक के तीन फॉर्म होते हैं, लिख देती हूँ, ठीक है, क्या होता है ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेक मतलब होता है तोड़ना। हैंडराइटिंग के मामले में थोड़ा गरीब हूँ और ये इंटरफेस भी से भी उतनी फेमिलियर नहीं हूँ, तो थोड़ा और भी गंदी आ रही है, तो मैनेज कर लेना। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आप देखोगे, याद रखना कि कभी भी वर्ब की कभी भी थर्ड फॉर्म डायरेक्ट नहीं आ सकती है। आपने यहाँ पे देखा क्या लिखा हुआ है, ब्रोकन। ठीक है, ब्रोकन क्या है, थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी भी डायरेक्ट अकेली नहीं आ सकती है, अनटिल एंड अनलेस हमारा जो सेंटेंस है वो किसी भी टेंस के परफेक्ट टेंस में हो। यानी आपने कभी भी अकेले ब्रोकन नहीं सुना होगा, आपने या तो हैज ब्रोकन, या तो हैव ब्रोकन सुना होगा, या तो हैड ब्रोकन सुना होगा, या फिर आपने पैसिव वॉइस में ब्रोकन सुना होगा, आपने अकेला ब्रोकन नहीं देखा होगा। फिर क्या देखा होगा, अकेला आपने देखा होगा दोस्त ब्रोक, क्या देखा होगा, ब्रोक क्यों देखे हैं मैम हम अकेले, ठीक है, ब्रोक हमने अकेला क्यों देखा है, ब्रोक आपने अकेला इसलिए देखा है क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ऐसा होता है कि जब हमारा सेंटेंस कैसा होता है, जब हमारा सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो उस केस में हम लोग कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं और जो मेन वर्ब है उसको हम उसके सेकंड फॉर्म में रख देते हैं। ठीक है, मेन वर्ब को हम सेकंड फॉर्म में रख देते हैं। और जब हमारा सेंटेंस नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव हो जाता है तो हेल्पिंग वर्ब की जगह में हम लोग डिड लगा देते हैं। ये पढ़ा होगा आपने, आपका रिविजन हो गया टेंस का। देखो दो क्वेश्चन में आपने कितनी सारी चीज़ें रिवाइज कर ली। ठीक है, तो अपन आगे भी ऐसे ही करेंगे। ठीक, चलो भाई, तो यहाँ पे ब्रोकन नहीं हो सकता है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ब्रोक होना चाहिए था, वर्ब का सेकंड फॉर्म होना चाहिए था। ठीक है, इसलिए कौन से पार्ट में एरर है, बाय हिटिंग में नहीं है, द यंग बॉय तो सब्जेक्ट ही है, उसमें क्या ही गलत होगा, विद अ क्रिकेट बॉल भी सही है। ठीक है, ब्रोक इन द विंडो ऑप्शन नंबर 4 इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, द यंग बॉय ब्रोक द विंडो बाय हिटिंग इट विद अ क्रिकेट बॉल, यानी यंग लड़के ने खिड़की को तोड़ दिया, कैसे, तो क्रिकेट की बॉल मारकर। क्लियर है, आई होप समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या हो गया, खैर चलो क्वेश्चन तो दिख ही रहा, अब मैं तो हूँ बताने के लिए। ठीक है, और डिफॉर्म सा हो रहा है। वेल, तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आपको सुटेबल कंजंक्शन बताना है। कंजंक्शन क्या होता है, तो आप सभी को पता होगा कि कंजंक्शन का मतलब होता है योजक। योजक मतलब जोड़ने वाला, जोड़ने वाला क्या जोड़ेगा, तो नाउन जोड़ेगा, प्रोनाउन जोड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें जोड़ेगा, कभी कभी तो पूरे फ्रेज को, पूरे सेंटेंस को जोड़ देगा, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पीयूष प्लेड वेरी वेल डैश वॉन द एप्रिसिएशन ऑफ ऑल। पीयूष ने बहुत अच्छा खेला, ठीक है, वॉन द एप्रिसिएशन,
अप्रिशिएशन मतलब क्या होता है, अप्रिशिएट करना मतलब क्या होता है कि किसी का एक तरीके से मतलब सहयोग करना, सहयोग तो खैर हेल्प हो जाता है, अब इसका कोर हार्ड कोर हिंदी तो फिलहाल मुझे क्लिष्ट वर्ड नहीं याद आ रहा है, ठीक है अभी याद आएगा तो बता दूंगी, है ना। किसी को अप्रिशिएट करने का मतलब क्या होता है कि जैसे कहते हैं ना कि अरे यार तुम्हारे काम को एक तरीके से सराहना करना, ठीक है, या मैंने कहा आई अप्रिशिएट योर वर्क, मतलब मैं आपके काम की तारीफ करती हूँ, या एक तरीके से मैं उससे यू नो इन सपोर्ट ऑफ योर वर्क, आई एम इन सपोर्ट ऑफ योर वर्क, ठीक है। अब यार इतनी सी हिंदी तो मतलब अप्रिशिएशन का मतलब तो आपको पता होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, तो मैं कोशिश कर रही थी आपको फिर भी समझाने का, ठीक है। चलो तो वोन दी अप्रिशिएशन ऑफ ऑल, यानी और सभी का उसको जो है क्या मिला, सभी की उसकी तारीफें भी मिली, सबने बोला कि हाँ भाई तुमने बढ़िया किया। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा आप, चार कंजंक्शन है आपके पास, पहले इसको देख लीजिए। नॉर जो होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव, ठीक है। नॉर जो होता है वो होता है नेगेटिव, आपने नॉर को सुना होगा नीदर के साथ, नॉर को आपने सुना होगा नीदर के साथ, नीदर नॉर एक पेयर्ड कंजंक्शन होता है हमारा, लिख देती हूँ। हैंड राइटिंग का अगेन मैं बता रही हूँ भाई, दिल पे मत लेना, ऐसी ही है गंदी सी, ठीक है। तो नीदर नॉर होता है, नीदर नॉर का मतलब क्या होता है, ना तो यह ना ही वह, ठीक है। जब आप दो चीज़ें देख रहे हो और दो में से आपको कोई पसंद नहीं आ रही है तो आप क्या बोलोगे, आप उसमें कौन सा कंजंक्शन लगाओगे, आप लगाओगे नीदर नॉर, यानी नीदर द बुक नॉर द पेन, ठीक है। ऐसा करके मतलब अपन आगे अभी देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो एक तो नीदर नॉर हो गया, ये कैसा होता है भाई, ये नेगेटिव कंजंक्शन होता है, ठीक है। एक फिर इसी का भाई होता है इधर और, इधर और में क्या होता है, इधर और में क्या होता है, इधर और में होता है कि या तो ये या फिर वो, यानी दो केस है। एक बार आप बाजार जाते हैं और आप दो चीजें लेते हैं तो आपको दोनों ही पसंद नहीं आती हैं, तो आप वहां पे अंग्रेजी में बात करते हुए बोलेंगे कि भाई, नीदर नॉर लगाते हुए बोलेंगे कि ना तो ये मुझे पेन पसंद है ना ही ये बुक पसंद है, ठीक है। ठीक, अगली दुकान में आप जाते हो और आपको बड़ी मुश्किल से बड़ी मशक्कत के बाद कोई एक चीज़ दो में से पसंद आ जाती है, तो आप क्या बोलेंगे, इधर पेन और बुक, ठीक है। दो में से कोई एक चीज़ पसंद आ जाती है तो आप बोलेंगे इधर पेन और बुक, यानी यहाँ से अब आप एक चीज़ समझ गए होंगे कि नीदर नॉर दोनों को ही जब हम डिनाय कर रहे होते हैं, दोनों ही चीज़ को मना कर रहे होते हैं तो लगाया जाता है, और इधर और जब हम दो में से किसी एक चीज़ को ऑप्ट कर रहे होते हैं, सेलेक्ट कर रहे होते हैं, चूज़ कर रहे होते हैं, तब हम लगाते हैं इधर और। इतनी कहानी हो गई। आगे देखो, और क्या होता है, और का मतलब होता है अथवा, सब नहीं देखा होगा ये तो, है ना, पेपर देने जाते थे तो देखा होगा ना, उसमें लिखा रहता था कि अथवा अथवा करके इतने सारे क्वेश्चन रहते थे, उनमें से आपको कुछ करने थे, तो अथवा क्या और क्या करता है, आपका ऑप्शंस देता है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे एंड, एंड का मतलब होता है और, ठीक है। और इसके बाद है आपका बट, बट का मतलब क्या होता है, लेकिन, है ना। अब आप एक चीज ध्यान देंगे कि लेकिन जो बट है ये विरोधाभास के लिए होता है कि, है ना, ये क्या किसके लिए होता है, जो बट होता है वो विरोधाभास की स्थिति में होता है, ठीक है, कि ऐसा किया फिर भी ऐसा नहीं हुआ, या मैं बाजार तो जाऊंगा लेकिन मैं तुमसे नहीं मिलूंगा, है ना, आई विल गो टू द मार्केट बट आई विल नॉट मीट यू, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने दोनों सेंटेंस को आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करवा दिया बट लगा के। तो देखो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन की कोई बात हो नहीं रही, यहाँ पे तो ऐसा कहा जा रहा है कि पीयूष ने अच्छा खेला और सब ने उसका उसके काम को अप्रिशिएट किया, उसके खेल को अप्रिशिएट किया, तो कोई विरोधाभास वाली स्थिति नहीं है, ठीक है। नेगेटिव बात तो कोई है ही नहीं, ऑप्शन तो हमें कोई दिया ही नहीं जा रहा है, ठीक है। चूज करने के लिए क्या बचता है, एंड बचता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज अवर करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में आप नीचे लिख सकते हो, कोई और आपकी क्वेरीज हैं वो लिख सकते हो आप, और आपकी जैसे ही ठीक ठाक डिमांड होती है हम लोग लाइव पढ़ना चालू कर देंगे, ठीक है भाई। चलो बढ़ते आगे और देखते अगला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस, यानी आपको अब मॉडल वर्ब चूज करनी है। मॉडल क्या होते हैं, तो देखा सुना होगा आपने मॉडल में, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, ऐसा करके कुछ वर्ड्स सुने होंगे ना, वही होते हैं मॉडल, ठीक है। चलो क्वेश्चन कह रहा है, डू यू थिंक वी डैश वॉक फास्टर सो दैट वी रीच द स्टेशन ऑन टाइम टू कैच द ट्रेन। डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, वी डैश वॉक फास्टर, हमें थोड़ा तेज चलना चाहिए। अब चाहिए बोल दिया तो आधे लोग तो वैसे ही इसका आंसर निकाल लिए होंगे, ठीक है। ठीक, तो वी डैश वॉक फास्टर, हमें थोड़ा तेज चलना चाहिए, सो दैट, ताकि वी रीच द स्टेशन ऑन टाइम, ताकि हम
सही समय पर स्टेशन पहुंच जाएं टू कैच द ट्रेन, ट्रेन को पकड़ने के लिए, ट्रेन में आई मीन बैठने के लिए, ट्रेन को कैच करने के लिए। ठीक है भाई, चलो अब देखते हैं। सबसे पहले तो हम इन चारों को देख लेते हैं। तो पहला तो हमारा कह रहा है शुड, शुड का मतलब क्या होता है, चाहिए, सजेशन के लिए यूज किया जाता है, याद रखना। ठीक है, शुड यूज होता है आपके सजेशन के लिए। नेक्स्ट शैल, शैल क्या होता है भाई, तो शैल आपको पता है क्या होती है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है, फ्यूचर की टेंस को बताता है। साथ ही साथ शैल का यूज किसके लिए होता है, जब आप हम्बल तरीके से किसी से परमिशन मांग रहे होते हो, ठीक है, किसी से हम्बल तरीके से अनुमति मांग रहे होते हो, जैसे मैं हूँ, ठीक है, चलो मेरा तो छोड़ो, जब आपके एरिया में कोई घूमने आता है काफ़ी से नेता टाइप लोग, तो अगर कोई कहीं आपने इंग्लिश में कहीं एंकरिंग सुनी हो तो आपने सुना होगा कि सर शैल वी स्टार्ट द प्रोग्राम, तो वहाँ पे वो शैल क्यों लगाते हैं, क्योंकि मंत्री जी, भाई मंत्री हैं वो, है ना, पॉलिटिशियन है, तो उनसे तो बड़े प्यार से ही रहना पड़ेगा ना उनके साथ, ठीक है, तो इसलिए प्यार से हम जब बड़े हम्बलनेस के साथ जब वो किसी से कुछ परमिशन मांगते हैं तो इन दैट केस वी यूज शैल। ठीक है, लिखते जाना भाई जिसको ना पता हो, ठीक है, रामायण की कथा जैसे सुन नहीं लेना यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट है हमारा वुड। वुड क्या होता है, विल का पास्ट फॉर्म भी होता है वुड, ठीक है, विल क्या होती है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब सुनी होगी आपने, विल शैल, ठीक है, तो विल का ही पास्ट फॉर्म एक तो होता है वुड, और दूसरा वुड क्या बताता है, वुड बताता है भविष्य में किसी चीज़ की जब ज़्यादा सर्टेनिटी होती है, जैसे मैंने कहा कि आई विल डू इट, मतलब मैं ये करूँगी, ठीक है भाई, कह दिया मैंने कि मैं ये करूँगी, लेकिन जब मैंने कहा आई वुड डू इट, मतलब भाई अब तो डेफिनेटली करूँगी, ठीक है, कमिटमेंट कर दिया है, अब तो अपने आप की भी नहीं सुनूंगी, ठीक है, तो वुड हम कब लगाते हैं, जब फ्यूचर की किसी भी बात में बहुत ज़्यादा सर्टेनिटी हो कि नहीं, नहीं ऐसा होना ही है, ठीक है, इन दैट केस वी यूज वुड। क्लियर है, लिखते जाना। कैन क्या बताता है भाई, कैन का मतलब होता है सकना, कहोगे सकना क्या है, तो कैन हमारा बताता है पॉसिबिलिटी को, जैसे मैं ऐसा कर सकता हूँ, ये मेरी क्या है, ताकत, तो कैन बहुत सारी चीज़ें बताता है। कैन से आप परमिशन भी देते हो, मांगते नहीं हो, मांग भी सकते हो अगर किसी दोस्त से बोलना है तो, कैन आई टेक इट, मतलब क्या मैं ये ले सकता हूँ, ठीक है, तो सकना मैंने उसी सेंस में लिखा है। और कैन क्या करता है, तो कैन आपकी ताकत को भी बताने के लिए आप यूज़ करते हो, जैसे मैंने कहा कि आई कैन डू दिस वर्क, यानी मैं इस काम को कर सकता हूँ और ये मैं अपनी ताकत बता रही हूँ, ठीक है, तो वी कैन यूज़ कैन ओवर हियर। और कैन कहाँ यूज़ कर सकते हैं मैम, तो परमिशन देने के लिए, परमिशन मांगने के लिए, ठीक है, और ये हमारी मॉडल ऑक्सिलरी भी होती है, तो सेंटेंसेस में जहाँ पे भी पॉसिबिलिटी बतानी है आप वहाँ पे कैन यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि डू यू थिंक, क्या तुम्हें लगता है, वी डैश वॉक फास्टर। अब सकना, क्या आप यहाँ कोई पॉसिबिलिटी बताना चाहते हो या आप कोई यहाँ पे ताकत बताना चाहते हो, नहीं, आप किसी से पूछ रहे हो कि डू यू थिंक, क्या तुम्हें लगता है, वी डैश वॉक फास्टर, हमें तेज चलना, क्या हम तेज चल सकते हैं या हमें क्या तेज चलना चाहिए। आप कहोगे मैम हम ऐसे ही पूछेंगे कि क्या तुम्हें लगता है कि हमें तेज चलना चाहिए, ठीक है, अगर चाहिए वाली बात है तो आंखें बंद करो, शुड लगा दो, बाकी चीज़ें भूल जाओ, बता दिए मैंने, लिख लिए होगे, रिविजन करते रहना, ठीक है, ओके, क्लियर है, बढ़ते आगे। और जो ये बम्बार्डमेंट कर रहे थे तुम लोग चैनल पे, टेलीग्राम पे, फ़ोन पे, मैसेज पे, इंस्टाग्राम पे, पटवारी पढ़ा दीजिए, पटवारी पढ़ा दीजिए, भाई पढ़ा रही हूँ इसको, लोगों तक पहुँचाना भी आपका ही काम है, ठीक है ना, चलो मेहनत लगती है भाई पढ़ाने में। चलिए तो यहाँ पे आपको बताना है, प्रीफिक्स बताना है, प्रीफिक्स और सफिक्स दो चीज़ें आपने सुनी होगी बचपन में। अब देखो कितने बचपन की चीज़ें पूछी जा रही हैं यहाँ पे, बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, मतलब आप समझो हलवा पेपर है, अगर आप यहाँ पे 20 में 20, 30 में 30, 50 में 50 नहीं ला पाए ना तो बहुत दिक्कत वाली बात है भाई, क्योंकि जिसको भी थोड़ा ठीक ठाक इंग्लिश आती है ना वैसे नंबर लेके चला जाएगा हवा में, ठीक है भाई। चलो प्रीफिक्स लगते हैं हमेशा किसी भी वर्ड के शुरू में, और जो सफिक्स लगते हैं वो लास्ट में लगते हैं, ऐसे याद कर लेना। प्री मतलब पहले, कहते ना प्री एग्जाम होगा, प्री एग्जाम पहले होता है, मेंस बाद में होता है, ठीक है, तो ऐसे ही प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब शुरू में लगेगा, जो प्री रूट वर्ड है उसका मतलब ही होता है शुरुआत, शुरू की चीज़, ठीक है, तो प्रीफिक्स लगेगा शुरू में। अब ये स्टोनहेंज इज अ डैश हिस्टोरिक मोन्यूमेंट लोकेटेड इन सेलिसबरी इंग्लैंड, यानी अब ये स्टोनहेंज जो है, वैसे तो मैंने गूगल ही करके देखा था, मैं तो कभी भारत से बाहर गई नहीं हूँ, भारत भी ठीक से नहीं गई हूँ, तो इंग्लैंड में है ये, पत्थर पत्थर का कुछ बना हुआ है, देख लेना गूगल कर लेना, और कौन सा हम लोग अभी हिस्ट्री की क्लास ले रहे हैं, मैं वैसे भी बहुत तेज वीक हूँ हिस्ट्री में, ठीक है, तो ये कहा ऐसा जा रहा है कि स्टोनहेंज एक मोन्यूमेंट है जो कहाँ लोकेटेड है, कहाँ स्थित है, तो सेलिसबरी इंग्लैंड में स्थित है, वो कैसा है, अब देखना यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है, ये हिस्टोरिक लिखा है, हिस्टोरिक के पहले क्या आएगा, ध्यान देना, री हिस्टोरिक, री हम कब यूज़ करते हैं, जब कोई चीज़ दोबारा हो रही होती है, री एग्जाम, ठीक है, कहते ना री एग्जाम हो गया, तो वो क्या हो गया,
वापस से कोई चीज़ हो रही, तो जब कोई चीज़ रिपीट हो रही होती है तब हम लोग रूट वर्ड री यूज़ करते हैं, तो ये होगा नहीं, ठीक है। अन, अन क्या बनाता है, किसी भी चीज़ को नेगेटिव बताता है, बनाता है, आई मीन किसी चीज़ का एंटोनिम बनाता है। जैसे मैंने कहा हैप्पी, उसका उल्टा हो जाएगा अनहैप्पी, ठीक है, तो अन उसके लिए होता है। यहाँ पर हमें नेगेटिव नहीं बताना है ना, क्लियर। आगे देखिए पोस्ट, अभी आप ध्यान देंगे, प्री का मतलब पहले और पोस्ट का मतलब बाद में, याद रख लेना, लिख लेना कहीं, यही सब पेपर में आएगा, फिर भाई रोते हुए आओगे, है ना। चलो तो अब ये बताओ कि प्री हिस्टोरिक और पोस्ट हिस्टोरिक दो चीज़ें होती हैं, जिन लोगों की हिस्ट्री अच्छी है और इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से वो जान गए होंगे, ठीक है। तो बताओ मुझे कि प्री हिस्टोरिक और पोस्ट हिस्टोरिक का क्या डिफरेंस होता है। तो देखो प्री हिस्टोरिक क्या होता है कि जब जो हमारी जो पुरानी चीज़ें हैं, जब जब इतिहास को लिखा नहीं जाता था ना, उससे पहले की जो चीज़ें उनको कहते हैं प्री हिस्टोरिक, और उसके बाद की चीज़ें जो हैं उसको कहते हैं पोस्ट हिस्टोरिक, ठीक है। तो अब ये जो स्टोनहेंज है, ठीक है, ये कब का है, तो ये है हमारा प्री हिस्टोरिक। अब आप कहोगे आपको कैसे पता, मैं भाई गूगल किया है, मैंने बताया, तो हिस्ट्री मेरी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वैसे थोड़ा अजीब है, इसलिए अजीब है क्योंकि ये भाषा, हम एक्चुअली भाषा का क्वेश्चन है, इंग्लिश का क्वेश्चन, इंग्लिश एक भाषा है और ये बेस्ड है एक्चुअली थोड़ा सा नॉलेज पे। देखो प्री और पोस्ट दोनों ही यहाँ पे सही है, इनमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर मैं ग्रामर के टर्म्स में देखूँ या लैंग्वेज के टर्म में देखूँ तो दोनों ही ठीक क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन बस अब वही है, सवाल ऐसा है कंट्रडिक्टरी सा, मैंने थोड़ा गूगल किया था कि भाई ये कब बनाया गया, तो पता लगा प्री हिस्टोरिक है ये, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो। और पीडीएफ वगैरह अगर चाहिए हो ना तो बता देना, है ना, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, तो उसी में पीडीएफ डाल दी जाएगी, ठीक है। तो आगे आप रिवीजन लगाते रहो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चूज द मोस्ट सुटेबल डिटर्मिनर फॉर द गिवन सेंटेंस। डिटर्मिनर का मतलब होता है निर्धारक, निर्धारक मतलब क्या होता है, जो पूरे सेंटेंस की दिशा को चेंज कर दे एकदम से, ठीक है। चलिए, इज द डैश लेटर फॉर मी इन द बंच ऑफ लेटर्स यू आर होल्डिंग, यानी इज देयर, क्या यहाँ पर डैश लेटर फॉर मी, लेटर मतलब पत्र, मेरे लिए कोई पत्र है इन द बंच ऑफ लेटर्स, बंच मतलब गुच्छा, तो लेटर्स का जो गुच्छा है आपका, क्या उस गुच्छे में मेरे लिए कोई पत्र है जो आप पकड़े हुए हैं, ठीक है। यू आर होल्डिंग मतलब आपने जो लेटर्स का जो गुच्छा पकड़ रखा है, पत्रों का गुच्छा, उसमें क्या कोई मेरे लिए भी पत्र है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आते अपन ऑप्शन में, पहला है इधर, इधर मतलब दो में से कोई एक, ठीक है, इधर मतलब दो में से कोई एक, ठीक है। दूसरा है एवरी, एवरी मतलब क्या होता है, सारा, एवरी मतलब पूरा, एवरी मतलब सभी। मैंने कहा कि एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, मतलब इस क्लास का, इस क्लास के सारे बच्चे, ठीक है, ठीक। अभी आपको डिफरेंस भी बताऊंगी एवरी एंड ईच में, ठीक है। एनी मतलब क्या होता है, कोई, याद रखिएगा एनी के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज कि एनी हमेशा या तो नेगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाएगा या तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाएगा, एनी कभी भी पॉजिटिव सेंटेंस में यूज नहीं किया जाता है। मैं लिख देती हूँ, है ना, कभी भी किसी पॉजिटिव सेंटेंस में, अरे भाई ये बदलवाना ही पड़ेगा इंटरफेस, एनी कभी भी पॉजिटिव सेंटेंस में यूज नहीं किया जाएगा, हमेशा या तो नेगेटिव या तो इंट्रोगेटिव में यूज किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज ईच, ईच मतलब होता है प्रत्येक। अब आप लोग हिंदी पढ़ रहे हो तो आप समझ गए होगे कि सभी और प्रत्येक में क्या फर्क होता है। प्रत्येक का मतलब हुआ एक एक, ठीक है, एक एक मतलब, जैसे मैंने कहा कि एवरी स्टूडेंट और ईच स्टूडेंट, इसका मतलब क्या हुआ, एवरी स्टूडेंट मतलब मैंने कहा सभी स्टूडेंट, और जब मैंने ईच कहा तो मैंने क्या कहा प्रत्येक स्टूडेंट, यानी एक एक स्टूडेंट ने ऐसा किया है, सभी स्टूडेंट ने ऐसा किया है, एक तरफ बोला, दूसरी तरफ बोला, एक एक स्टूडेंट ने ऐसा किया, यानी प्रत्येक स्टूडेंट ने। अब यहाँ पे फर्क क्या है, फर्क कुछ नहीं है, जब हम ईच लगाते हैं तो थोड़ा ज्यादा एम्फेसाइज कर रहे होते हैं, है ना, कि भाई एक एक लड़के ने सपोर्ट किया, ठीक है, और जब हम एवरी लगाते हैं तो हम समेटे तौर पर सबको कह देते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे इज देयर डैश लेटर, अच्छा इधर दो में से कोई एक के लिए होता है, लेकिन हमने तो यहाँ पे कह रखा है बंच ऑफ लेटर, मतलब लेटर्स का गुच्छा, तो एक की तो बात ही नहीं हो रही, आई मीन दो की तो बात ही नहीं हो रही, दो से ज़्यादा की बात हो रही, ये होगा नहीं। एवरी मतलब प्रत्येक, इज देयर एवरी लेटर फॉर मी, क्या ये सभी लेटर मेरे लिए हैं, तो ऐसा तो हम
भाई ऐसा थोड़ी पूछोगे आपके क्या ये सभी लेटर मेरे लिए, क्या पूछोगे क्या कोई मेरे लिए लेटर है, ध्यान देना है ना, ध्यान से समझना। अच्छा मैं हर क्वेश्चन की हिंदी और उसके मीनिंग पे इतना जोर इसलिए देती हूँ क्योंकि देखो आज तक आप लोग क्या है लैंग्वेज को थोड़ा गलत तरीके से पढ़ते आए हो, आपने सिर्फ रूल्स देखे।